ऋषभ पंत भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज, लेकिन ये स्टार कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बेकार बनता जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारतीय टीम जब स्ट्रगल कर रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में, और एक अच्छी बल्लेबाजी जब देखने को मिली चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बीच में 111 रनों की भागीदारी हुई, उसके बाद से अजिंक्य रहाणे आउट हुए और लगा कि शायद ऋषभ पंत आएंगे तो यहां से कुछ भारतीय टीम के लिए बेटर करेंगे। उम्मीद कर रहे थे कि सेंसिबल बैटिंग करें, लेकिन ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है, मोमेंटम चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। एंड भाई साहब ने सिर्फ 3 गेंद लिए एंड मोमेंटम चेंज करते करते खुद पवेलियन पहुंच गए, लेकिन इस बार गुस्सा फूट पड़ा अचानक ही सुनील गावस्कर का। जी हाँ, लेकिन सुनील गावस्कर कॉम बॉक्स में थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरीके के शॉट्स खेलकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा नेचुरल गेम है और मैं तो इसी तरीके से क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाता हूं। ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे टीम मैनेजमेंट के इससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, जब इंग्लैंड में भी ऋषभ पंत इसी तरीके से आउट होते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाता था कि वो तो मोमेंटम चेंज करने वाले खिलाड़ी हैं, वो तो ऐसे ही बल्लेबाजी करते हैं, आते हैं अगर गेंद बल्ले पर चढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुनील गावस्कर का गुस्सा फूट पड़ा आज और उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे आपके ऊपर में, और ये नॉनसेंस शॉट था। ये सुनील गावस्कर जी का कहना था कि इस तरीके के नॉनसेंस शॉट्स आपको नहीं खेलने चाहिए थे, अगर अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा अपने शरीर में गेंदों को खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते हैं। पहली गेंद आपको आउटसाइड ऑफ समरी ड्राइव करने के लिए गए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, दूसरी गेंद जैसी बाउंसर पड़ी आपने तीसरी गेंद पर रिएक्ट कर दिया और इसी की वजह से गुस्सा सुनील गावस्कर का फूट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऋषभ पंत की जगह अब टीम में बनती है या फिर उनको सबक सिखाने के लिए ड्रॉप करना चाहिए? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।